अगली खबर में बात करते हैं खेल कूद की प्रतियोगिताओं को लेकर। शहर में चल रही कबड्डी प्रतियोगिता में विवाद हो गया। खिलाड़ियों में आपस में खूब मारपीट हुई और एक दूसरे के सिर फोड़ डाले। मौके पर पुलिस बल तैनात करना पड़ा। देर रात मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर 8 लोगों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज हुआ। विवाद हार जीत पर कमेंट्स करने पर होने की जानकारी मिली है। पुलिस वीडियो फुटेज के आधार पर अन्य लोगों को भी आरोपित बना सकती है। सराफा टीआई सुनील शर्मा के मुताबिक घटना मंगलवार देर रात सुभाष चौक पानी की टंकी के पास की है। प्रभात क्लब द्वारा कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। रात करीब 11 बजे प्रभात क्लब और इंदौर वॉर्डर्स टीम के बीच कमेंट्स करने पर विवाद हो गया। दोनों तरफ से कई लोग आमने सामने आ गए। मामले में 8 से 10 लोग घायल हो गए। देर रात पुलिस को मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालना पड़ा। देर रात पुलिस ने दोनों पक्षों को अस्पताल भेजा और मेडिकल परीक्षण करवाया। बाद में पुलिस ने हितेन पुत्र खेम सिंह वारकिया की शिकायत पर अभिषेक गौर, प्रकाश गौर, पप्पू गौर और ब्रिजेश गौर के खिलाफ केस दर्ज किया, जबकि अभिषेक पुत्र रतन लाल गौर की शिकायत पर गजेंद्र मनोज दवे, टोनी और असलम के खिलाफ केस दर्ज किया है। विवाद कहां सुनी से शुरू हुआ था और इतना बढ़ा कि दोनों तरफ से पत्थर चलने लगे। हाल पूरा भरा हुआ था, लोग इधर उधर भागने लगे। टीआई के मुताबिक जिस प्रभात क्लब द्वारा प्रतियोगिता का आयोजन करवाया वह भारतीय खेल कबड्डी की है। फिलहाल पुलिस ने घायलों के आधार पर दोनों पक्षों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज और वीडियो फुटेज भी मांगे गए हैं। जांच के बाद जो भी नाम सामने आएंगे उन्हें भी आरोपितों में शामिल किया जाएगा। सुभाष चौक पानी टंकी के पास में कबड्डी का क्लब है प्रभात क्लब, उनके द्वारा कबड्डी का मैच करवाया जा रहा था। उसी मैच में हार जीत या कुछ कमेंट्स करने को लेकर प्रभात क्लब और इंदौर वांडर्स जो टीम है उनके बीच वाद विवाद हुआ और इसी वाद विवाद में दोनों पक्षों में आपस में मारपीट हुई। सूचना पर मौके पर पुलिस तुरंत पहुंची और दोनों पक्षों को थाने लेकर आई, जिसमें कार्रवाई की जा रही है। कितने लोग इन दोनों में घायल हैं और खतराओं की भी जानकारी? इसमें आपस में एक दूसरे में दोनों पक्षों ने मारपीट की है, जिसमें 4-4 लोग दोनों पक्षों से घायल हैं, जिनका मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है। अभी तो प्राथमिक जानकारी है, घटना के तुरंत बाद FIR हो रही है, विवेचना में सारी चीजें स्पष्ट होंगी। हाँ, इस संबंध में भी जांच की जा रही है और यदि इसमें कोई उल्लंघन पाया जाएगा तो उसमें भी कार्रवाई। ये प्रभात क्लब जो सुभाष चौक पानी टंकी पर है उसके द्वारा आयोजन किया गया था। सर्व सुविधायुक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लैप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602888 5990 पर।